क्वेश्चन है प्लेन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने की बने 50 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल अलोंग कौन सी एक्सिस एक्स एक्सिस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है बोलो जे कैप वाई एक्सिस क्या निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग बी वेक्टर क्या होगा अभी हमने किया ये क्या गिवन है ई का मैग्नीट्यूड गिवन है 6.3 तो बी का मैग्नीट्यूड आ गया जो वेव प्रोपगेशन होती है एन कैप वो क्या होती है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो मेरे को पता है कि ई वेक्टर मुझे कहाँ गिवन है जे कैप वेव की प्रोपगेशन एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप तो मैं यहाँ क्या लगाऊँ कि आंसर आई कैप आ जाए के कैप आंसर सेम ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी ना और ये 2019 की मेंस की प्रॉब्लम है मैंने बोला ना आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आजकल तो ऐसे ही आ रहे हैं बहुत मुश्किल नहीं आ रहे बहुत मुश्किल या मुश्किल क्या होते हैं आपको दिखाता हूँ मेंस में 2019 में क्या पूछा ये देखो क्वेश्चन है ई एम वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई ई नॉट एन कैप साइन ओमेगा टी प्लस 6y - 8z जितनी थ्योरी मैंने आपको बताई ना और जितनी बुक्स में लिखी हैं किताबों के अंदर भी उसमें कम से कम इस फॉर्म में क्वेश्चन तो मैंने नहीं करवाई जिसमें वाई और जेड पता नहीं क्या कुछ आ रहा है नॉट फॉर नीट लिख लें नॉट फॉर मेडिकल ठीक क्या निकाल लें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एस कैप एस कैप का मतलब होता है वेव की प्रोपगेशन किस एक्सिस के अलॉन्ग है उसका एस कैप बोलते हैं राइट तो एस कैप निकालना है अब ये वेव की इक्वेशन गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आ जाए वाई जेड और इस टाइप से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन याद करनी है एक नई इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म की याद करनी है ये हमने नहीं की पर वेक्टर फॉर्म में के वेक्टर डॉट आर वेक्टर में ये लिखना है अब ये के वेक्टर क्या चीज़ है अभी समझाऊंगा मैं तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक ये याद करनी है रिमेंबर करनी है ठीक है यहाँ तक एक नई इक्वेशन है आगे अब आप इन्हें कंपेयर करें हमने वेव की प्रोपगेशन निकालनी है कि किस एक्सिस के अलोंग है तो आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो ये माइनस कंपेयर करके माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा 6y - 8z ये आएगा एक काम करें के वेक्टर को लिखें के एक्स के वाई के जेड आई जे के और आर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप और ये इसके इक्वल आ गया क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक ये लिख लिया डॉट प्रोडक्ट लें एक्स को एक्स के साथ जे को जे के साथ के को के साथ ये टर्म आ गई कंपेयर करें आई का कॉम्पोनेंट है ही नहीं तो यहाँ पर के एक्स क्या जाएगा 0 के वाई क्या जाएगा 6 और ऐसी के जेड तो ये कंपेयर करके के एक्स के वाई और के जेड आ गया तो के वेक्टर को लिखें के वेक्टर में के एक्स के वाई के जेड लिखें ये आंसर आ गया अब आपको बता दूं ये के वेक्टर क्या होता है इक्वेशन में के वेक्टर होता है वेव की प्रोपगेशन का डायरेक्शन बताता है जैसे अगर ये के वेक्टर आ गया तो जो वेव प्रोपगेशन होती है वो के कैप रिप्रेजेंट करती है यूनिट वेक्टर ऑफ के वेक्टर इज के कैप तो के कैप क्या होगा अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड तो आपने के वेक्टर कंपेयर करके निकाल दिया उसको के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया ये जो यूनिट वेक्टर आया ये आपको ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी ये वेव की प्रोपगेशन है यही एस कैप है और यही के कैप है अब बताओ अगर आपने कर नहीं रखा आप क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाएंगे ये होता है एक्सपीरियंस आपने एक नई चीज सीखी अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आपने कैसे हैंडल करनी है पॉइंट क्लियर है यहां तक ठीक है मेडिकल में नहीं आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आएगा नॉन मेडिकल में 2019 का पेपर सबसे मुश्किल है मैं बता रहा हूँ ये मुश्किल क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम आसान या नॉर्मल क्वेश्चन कह ये एक्सेप्शन है एक्सेप्शन हो सकता है आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए पेपर में नहीं बड़ी अगर ये एज इट इज आ गया फिर तो कर दोगे चेंज होके आ गया देखो ये चेंज होके आ गया करके दिखा दो होएगा ही नहीं ठीक तो ये वो एक्सेप्शन क्वेश्चन जिस पे काम हो रहा है आप प्लीज इसे अपना वो ना माने कि ये वे मुश्किल हो गया नहीं नॉर्मल क्वेश्चन कैसे होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और सबसे बड़ी बात मेंस वालों को कभी कभी तो प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं मैच दी फॉलोइंग एक्सरे की प्रॉपर्टी क्या किस्मत है कईयों की प्रॉपर्टी वेव के डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मल तो नॉर्मल पेपर ही आता है ये जो क्वेश्चन है थोड़े एक्सेप्शनल क्वेश्चन हैं तो जैसे एक और क्वेश्चन है वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ओमेगा टी गायब कर दिया और एक्स और जेड रख दिया जैसे पहले था तो बी वेक्टर निकाल लो अब पॉइंट नंबर वन
ई वेक्टर ये रहा, और ई वेक्टर और हमें इक्वेशन इस फॉर्म में आती है जब ये एक्स और जेड की बात करता है, कंपैरिजन हो नहीं रहा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, सिक्स आई कैप प्लस एट के कैप डॉट एक्स आई कैप जेड के कैप। आपको वो क्यों, अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो सिक्स एक्स आएगा और इसका लोगे तो एट जेड आएगा। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, पर क्यों लिखा, ताकि मैं इसे कंपेयर कर सकूं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ओमेगा टी तो है ही नहीं, और ये टर्म क्या आ गई, के वेक्टर, देखो के वेक्टर, और ये क्या आ गया, आर वेक्टर। तो यहां से मैंने क्या बाहर निकाल दिया, के वेक्टर। टफ है, बोल रहा हूं मैं टफ है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, छोड़ देंगे, क्या टेंशन है, पांच की चॉइस भी तो है, जरूरी जरूरी थोड़ा है कि दिखाना थोड़ी ना कि यही क्वेश्चन किया था हमने। अब आधा हो गया तो आधा भी सीख लो, के वेक्टर आ गया। अब जो वेव की प्रोपगेशन होती है वो कौन बताता है, के कैप। के कैप क्या होता है, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, के कैप आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है कहां पर, जे कैप, ये देखो जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जे कैप, वेव की प्रोपगेशन है के कैप, मुझे क्या निकालना है, बी वेक्टर। तो एक काम करते हैं हम, यहां पर के कैप, ये कैप करो, यहां पर के कैप क्रॉस ई कैप करते हैं, क्यों, क्योंकि जो तीसरा वेक्टर बी कैप आएगा वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के इक्वल आएगा। तो के कैप में ये कोफिशियंट है 3/5 और 4/5, 3/5 4/5, और ई वेक्टर का कोफिशियंट क्या है, सिर्फ 10। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के ये जो डायरेक्शन आएगी ये बी वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, पर अपने को इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड करके डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर आएगी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ई तो पता ही है, इसको सी से डिवाइड करके बी का मैग्नीट्यूड आएगा और पीछे ये डायरेक्शन लगेगी, तो ये आंसर आएगा मेरे को लगता है। और फिर आपको ना ऑब्जेक्टिव के अंदर ना ऐसी कुछ गिवन होगी ऑप्शन, जिसमें 6k कैप और -8 कैप आएगा, वो ऑप्शन मार्क करना है। मेरे को लगता है अगर ये क्वेश्चन आएगा अपने को छोड़ देना चाहिए, अगर सेम आ गया तो कर लेंगे, अगर ऐसा मिलता जुलता आया, अगर कॉन्फिडेंस है तो कर लेंगे, पर अगर लग रहा है 1% भी कि नहीं, कोई बात नहीं, बहुत क्वेश्चन है करने वाले, जरूरी थोड़ा कि ये वे में से बाहर निकलेगा, पर आज की डेट में इतना टफ क्वेश्चन आ नहीं रहा, ये 100% है। मैं आपको पेपर दिखा दूंगा, बेसिक क्वेश्चन आ रहा है 2-3 लाइन वाला, तो मतलब ये 2019 का पेपर है, मैं इसको रेफरेंस नहीं मानना। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था 2018 और 19 को कभी रेफरेंस नहीं मानना, NTA से जब स्टार्ट हुआ 2020 से हुआ वही रेफरेंस है, मैं उसके पेपर दूंगा आपको करने के लिए, इजी है, आपका दिल खुश हो जाएगा, चिंता ना करो, NCERT बेस्ड है, ठीक है।